गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चे, हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 7 किया था, द 1-inch boy। अब हम उससे आगे हैं, हमारी ये पोएम वो करने वाले हैं, जिसका नेम है द स्विंग बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? स्विंग बेटा झूला। आई थिंक बच्चे सभी झूला झूलते हैं, आप लोगों ने भी झूला होगा। तो आपको हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, आपको झूले में ऊपर जाना कैसा लगता है? अप इन द एयर सो ब्लू, ऊपर क्या हवा में सब कुछ ब्लू नज़र आता है? ओह, आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। ओह, मुझे लगता है कि ये एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इन्जॉयबल, प्लीजेंटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा इन्जॉयबल थिंग है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, हवा में ऊपर जाना और दीवारों से भी ऊपर चले जाना, टिल आई कैन सी सो वाइड, और वहाँ से सामने सब कुछ बहुत ही ज़्यादा विशाल नज़र आता है, दूर दूर तक नज़र जाती है। रिवर एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, और जब झूला ऊपर जाता है तो क्या क्या नज़र आता है यहाँ पर? रिवर, ट्रीज़, कैटल मतलब एनिमल्स, एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब एक ऐसा खुला मैदान जहाँ पर बहुत सारी ग्रास हो, ट्रीज़ हो और एनिमल्स जो हैं वो वहाँ पर हों, उसे कहते हैं कंट्री साइड। तो झूले पर जब ऊपर जाते हैं तो रिवर, ट्रीज़, कैटल और कंट्री साइड विशाल मैदान नज़र आते हैं। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और जब झूला नीचे आता है तो वहाँ पर बच्चे को क्या नज़र आ रहा है? ग्रीन गार्डन नज़र आ रहा है, और जब वो झूला और नीचे आता है तो जो घरों की छतें हैं वो नज़र आती हैं, जो कि ब्राउन कलर की हैं। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन, अब वापस से फिर से झूला ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कह रहे हैं कि बच्चा ऊपर वापस जाता है हवा में, उड़ता हुआ लगता है उसे, और फिर वापस हवा से ही नीचे उतर के वो झूला जो है वो नीचे आता है। तो ये थी आपकी पोएम, ध्यान से सुनेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे इसको। थैंक यू।